हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक नेशन। पिछले साल टेस्ला ने अनाउंस किया था कि वो इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेंगे। इस साल की शुरुआत में ही टेस्ला ने इंडिया में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना नेम रजिस्टर कराया। पिछले काफ़ी टाइम से टेस्ला अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट से बातें कर रही हैं। इनिशियल लेवल पर टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार है उसे इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा, बाद में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में की जाएगी। टेस्ला इंडिया में मॉडल 3 कार लॉन्च करने वाला है। टेस्ला में टेस्टिंग के लिए मॉडल 3 के 3 यूनिट्स इंपोर्ट किए थे, जिसमें से एक यूनिट को रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। आप देख सकते हैं ये टेस्ला मॉडल 3 है, जिसमें कैमोफ्लाज से इसे कवर कर दिया गया है। कुछ महीने पहले भी टेस्ला मॉडल 3 इलेक्ट्रिक कार बिना कैमोफ्लाज के पुणे के चाकन में स्पॉट की गई थी। तो अभी इस कार की टेस्टिंग चल रही है, जल्द ही कंपनी इसे इंडिया में लॉन्च कर देगी। 55 टू 60 लाख रुपीस टेस्ला मॉडल 3 की प्राइसिंग एक्सपेक्टेड है इंडिया में। शुरुआत में टेस्ला मॉडल 3 को बेंगलुरु, न्यू दिल्ली एंड मुंबई में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद कंपनी अदर सिटीज में भी इसे लॉन्च करेगी। मैं आपको मॉडल 3 का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मॉडल 3 0 टू 100 की स्पीड 3.1 सेकेंड में अचीव कर सकती है। 260 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। इसमें हमें अप टू 520 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। बाकी फीचर्स तो इतने सारे हैं इस कार में कि अगर मैं बताने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। टेस्ला के इंडियन वर्जन में ऑटो पायलट होगा कि नहीं, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। अगर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के रिगार्डिंग और कोई अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।